भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित 83 मरीजों में से 10 हुए ठीक, अब तक 2 लोगों की मौत। मास्क और सैनिटाइजर जरूरी उत्पादों की श्रेणी में शामिल। कोरोना वायरस का मुकाबला करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल का सार्क देशों ने किया स्वागत। प्रस्ताव पर पाकिस्तान ने भी जताई सहमति। स्पेन के बाद अमेरिका ने भी कोरोना वायरस को राष्ट्रीय आपातकाल किया घोषित। महामारी से निपटने के लिए $50 अरब के पैकेज का ऐलान। जर्मनी ने भी दूसरे विश्व युद्ध के बाद दिया सबसे बड़ा आर्थिक पैकेज। इटली में एक दिन में 250 मौतें। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा अब महामारी का केंद्र यूरोप। यस बैंक ग्राहकों के लिए बड़ी राहत। 18 मार्च को हटा ली जाएगी यस बैंक पर लगी रोक। सरकार ने यस बैंक पुनर्गठन योजना को किया अधिसूचित। वर्तमान प्रशासक प्रशांत कुमार नवगठित बोर्ड के प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के दूसरे सप्ताह में बेहतरीन कामकाज। 82.6% रही राज्यसभा की उत्पादकता। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक समेत 3 विधेयकों को भी मिली मंजूरी। हर राज्य में एम्स की स्थापना केंद्र का लक्ष्य। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के दीक्षांत समारोह में संबोधन। कहा पिछले 6 साल में बढ़ाई गई देश में लगभग 29,000 MBBS और 17,000 PG की सीटें।